आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं। यहाँ क्यों बैठ गई हो? जाओ दशा, बस उधर जाओ। आज तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं आपसे पूछ के रहूंगी कि आप मुझ पे क्यों इतना गुस्सा होते हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करता, खास तौर पे तुम्हारे साथ। परी की बेइज्जती ने आपको परेशान कर रखा है, इसलिए आप मुझसे इतनी बेरहमी बरतते हैं। आपको मेरी कभी फिक्र नहीं हुई? ओ बीबी, अपनी बकबक जो है ना उसको बंद करो। मुझे खामोश करने से कुछ नहीं होगा। आपको ना, आपको खुद को खामोश करने की जरूरत है। ये जो आपके अंदर शोर चल रहा है ना, आपको इसको खत्म करने की जरूरत है। हाँ, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं क्या? तो मैं ताया अबू को आपके और परी के बारे में बता दूंगी। क्या बकवास कर रही है? क्या बकवास कर रही है? रशीद, दर्द हो रहा, छोड़ो, जो बरदार, ये डरावा दोबारा दिया मुझे, तो मुंह तोड़ूंगा तेरा। आपको लगता है ये सब करने से मैं खामोश रहूंगी और सब ठीक हो जाएगा? खामोश तो तुझे होना पड़ेगा, वरना तुझे भेज दूंगा तेरे बाप के घर। और ये जो बच्चा है ना, ये मेरा बच्चा रहेगा मेरे पास। आप सभी ये बातें सिर्फ बंद कमरे में कर सकते हैं, सबके सामने नहीं। तुझे मैं कैसे बताऊं? जब भी बकवास, बंद रख, बंद रख बकवास। चाहे औरत शुक्रिया। थैंक यू। कैसा लग रहा? कैसा? मेरे साथ शॉपिंग करना, घूमना, आइसक्रीम खाना? अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि जैसे तुम खुश नहीं हो। खुश तो मैं हूँ, लेकिन बस समरा पी का ख्याल आ गया। अगर राशिद भाई भी समरा पी को इसी तरह रखते तो ना अच्छा होता ना। फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि राशिद भाई ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। घर चले बहुत देर नहीं हो गई। अरे क्यों, इतनी सारी जो हमने शॉपिंग की है वो अम्मी को दिखाएंगे, समरा बाजी को दिखाएंगे। इसी बहाने तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी समरा बाजी से। हाँ, बहुत अच्छी बात है, चले आपके घर चलते हैं। आइसक्रीम के बाद। हाँ। इश्क तेरा सताए, सांस है थमे से, नैना मेरे बहते जाए, ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे हैं दिल लगा, सीखा है तुमने।